हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं बट मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अपने यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको एक साल के अंदर यानी लास्ट 365 दिन के अंदर आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के टारगेट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो बड़े आसानी से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स के टारगेट को कंप्लीट कर ले रहे हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, उनको 8-8, 9-9 महीने हो गए हैं, 1-1 साल होने के हुए और अभी भी उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और फ्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं, YouTube पे वीडियो सर्च करके देख रहे हैं कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, इस तरीके से करें, इस तरीके से करें। और आप लोग क्या कर रहे हैं, तरह तरह के यूट्यूबर की वीडियो देख देख के उनके जाल में फंस जा रहे हैं, उनका ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, उनके टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, बस कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में, जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा, जिसको फ्रेंड्स अगर आप लोग उस तरीके से आप अपने वीडियो को अपलोड करेंगे, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो मैं दोस्तों आपको गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों में या फ्रेंड्स हो सकता है कि कुछ महीनों में ही आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो टारगेट है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, जो ये 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो टारगेट है आपको कंप्लीट करना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रिक जो है यूट्यूब की है। यानी फ्रेंड्स, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का जो सिस्टम है, उस हिसाब से अगर आप लोग काम करेंगे तो फ्रेंड्स आपका भी वॉच टाइम टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा ट्रिक है और कैसे आप इसको यूज करेंगे, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के लाइव स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स, वहां पर मैं आपको YT स्टूडियो ऐप ओपन करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए अगर आपको भी अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लिया है और यहां पे दोस्तों मैंने अपनी कुछ लेटेस्ट वीडियो को यहां पे ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाने के बाद दोस्तों देखिए, यहां पे मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है 9 मिनट 12 सेकंड की और इसके व्यूज कितने आए दोस्तों, 145 व्यूज। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर फिर एक वीडियो अपलोड की 2 मिनट 33 सेकंड की और इस पे व्यूज कितने हैं, 106। इसके बाद दोस्तों 3 मिनट 45 सेकंड की वीडियो अपलोड की, कितने व्यूज आए, 134। उसके बाद दोस्तों फिर से मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई 8 मिनट 43 सेकंड की, व्यूज कितने हैं, 1479। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से मैंने 8 मिनट 43 सेकंड से थोड़ी सी छोटी वीडियो बना दी 8 मिनट 10 सेकंड की, कितने व्यूज आ गए, 218। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से मैंने एक छोटी वीडियो बनाई 5 मिनट 11 सेकंड की, व्यूज कितने आए, 140। फिर से देखिए दोस्तों, मैंने 8 मिनट 39 सेकंड की वीडियो बनाई, व्यूज कितना है, 161। फिर से मैंने फ्रेंड्स 8 मिनट 56 सेकंड की वीडियो बनाई, उसके बाद व्यूज कितने आ गए, 254। यानी फ्रेंड्स, आप लोग यहां पे क्या समझ पा रहे हैं कि जब मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूं तो व्यूज मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे मैं छोटी वीडियो बना रहा हूं तो व्यूज कम आ जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी वीडियो पर वॉच टाइम जो है कम मिल रहा है, इसलिए छोटी वीडियो पर व्यूज कम आ रहे हैं और बड़ी वीडियो पर व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो चीज़ दिखाया उससे आपने क्या समझा, क्या सीखा है? यानी दोस्तों, जब मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर बड़ी वीडियो बना रहा हूं तो मेरे उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, और जैसे दोस्तों मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर छोटी वीडियो बना रहा हूं उस पर व्यूज डाउन हो जा रहे हैं। फिर से अगेन दोस्तों, जब मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूँ 8 मिनट 9 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, फिर से दोस्तों मेरे व्यूज अप हो रहे हैं, और जैसे दोस्तों मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ फिर से दोस्तों उस वीडियो पर व्यूज डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, जो सिस्टम है, अभी व्यूज पर नहीं वॉच टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरीके से एक चीज और समझा रहा हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरे YouTube के चैनल पर वीडियो है, दो वीडियो है, एक वीडियो मैंने बनाई है 5 मिनट की और मैंने अपने YouTube के चैनल पर एक वीडियो बनाई है 10 मिनट की। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, एक वीडियो है 5 मिनट की और एक वीडियो है 10 मिनट की। 5 मिनट वाली वीडियो को लोग ज्यादा देर तक देख रहे हैं, यानी 4 मिनट देख रहे हैं, और उसका ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है 80%। समझने की कोशिश करिए दोस्तों, 5 मिनट वाली वीडियो को लोग देर तक देख रहे हैं, यानी 4 मिनट देख रहे हैं, और उसका ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है 80%। और दोस्तों, जो मेरी 10 मिनट की वीडियो है उसको लोग कम देख रहे हैं, करीब 6 मिनट तक ही देख रहे हैं, और उसका ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है 60%। अगर इस पॉइंट पर दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मेरी ये जो वीडियो कौन ज्यादा देखना पसंद करेगा, यूट्यूब किस वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा, तो फ्रेंड्स ज्यादा करके सभी यूट्यूबर एक ही चीज कहेंगे कि 5 मिनट वाली जो वीडियो है वो ज्यादा ग्रो करेगी,
क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को यह लगता होगा कि 80% उस पर ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, इसलिए दोस्तों वो वीडियो ज्यादा ग्रो करेगी। बट फ्रेंड्स यहाँ पे YouTube का एल्गोरिदम जो है काफी चेंज हो गया है, 2021 आ चुका है। इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि व्यूज पे YouTube ध्यान नहीं दे रहा है, वॉच टाइम पे फोकस कर रहा है। यानी फ्रेंड्स जिस वीडियो पर ज्यादा वॉच टाइम आ रहा है उसको ज्यादा प्रमोट कर रहा है। यानी फ्रेंड्स 5 मिनट वाली जो वीडियो है उसको बेशक 80% मेरा ऑडियंस रिटेंशन मिल रहा है, लेकिन उसको देख रहे हैं कितने देर तक लोग, 4 मिनट तक। और दोस्तों जो मेरी 10 मिनट वाली वीडियो है उस पर 60% ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, उसको लोग देख रहे हैं कितनी देर तक, 6 मिनट तक। यानी दोस्तों YouTube जो है 6 मिनट के जो वॉच टाइम आ रहा है 10 मिनट वाली वीडियो को प्रमोट कर रहा है। यानी वॉच टाइम जिस वीडियो पर ज्यादा आता है YouTube उसी वीडियो को ज्यादा करके प्रमोट कर रहा है। यानी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, लंबी वीडियो बनानी है, लॉन्ग वीडियो बनानी है। बट फ्रेंड्स लॉन्ग वीडियो बनाने के चक्कर में आपको फालतू की वीडियो नहीं बनानी है, ऊट पटांग का कोई भी कंटेंट फालतू का अपलोड नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपका इस पे आपका फोकस खराब होगा। यानी फ्रेंड्स आपकी इमेज खराब होगी, आपको अच्छे कंटेंट की वीडियो अपलोड करनी है, बड़ी वीडियो बनानी है। बट दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप बड़ी वीडियो नहीं बना सकते, आपका कंटेंट जो है 4 से 5 मिनट में 6 मिनट में खत्म हो जा रहा है, तो आपको 4-5 मिनट 6 मिनट की ही वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप बड़ी वीडियो बना सकते हैं, कम से कम 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, बड़ी वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हर तरीके की वीडियो बना करके देख लिया है, जब मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूं तो मेरे यूट्यूब के वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं, और जब दोस्तों मैं छोटी वीडियो बना रहा हूं तो उस पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। यानी फ्रेंड्स वॉच टाइम ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि बड़ी से बड़ी वीडियो बनानी है, अच्छी वीडियो बनानी है, लोगों के लिए हेल्पफुल नॉलेजेबल वाली वीडियो बनानी है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए हैं कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होता है। यानी फ्रेंड्स एक ही ट्रिक है, यूट्यूब की ट्रिक है कि आपको बड़ी वीडियो बनानी है। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।